टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपने जिस तरीके से भी पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े हुए हैं मुझसे वो जानते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन तुम अपने आप तो करते हो, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम लोगे। मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, अगर आपने वो सीख लिया तो आपका टाइम काफी बचेगा। ठीक है, आप जल्दी कर पाओगे, वो अलग तरीके से है, समझ लिया एक बार तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। वैसे हम नॉर्मल तरीके से तो कर ही सकते हो। टाइप्स ऑफ, ठीक है, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, ठीक है, दूसरा कोडेड ब्लड रिलेशन, तीसरा फैमिली बेस्ड। ये देखो हर एग्जाम में आता है, चाहे कुछ भी दे देना, अब ये ब्लड रिलेशन तो हर जगह ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फैमिली बेस्ड ब्लड रिलेशन, इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तीन टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं, पूरे ब्लड रिलेशन बस इन्हीं तीन टाइप्स पर डिपेंडेंट है, इसके अलावा कोई और चौथा टाइप नहीं है ब्लड रिलेशन का। इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, फैमिली बेस्ड रिलेशन। ठीक है, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, मैं डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसी को रिलेशन के लिए, ये मेरे दादाजी के बेटे का भाई है तो मेरा क्या लगा, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, तीसरा सॉरी इनडायरेक्ट में क्या है, मैं किसी को थर्ड पर्सन को रेफरेंस बना दूं बीच में और उससे रिलेशन जाहिर करूं कि ये जो शख्स खड़ा हुआ है ये मेरे भाई का ये लगेगा, तो फिर तीसरे पर्सन और मेरे में क्या रिलेशन होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कोडेड में जैसे रिलेशन आपको एस्टेब्लिश कैसे करना होगा, जैसे बोला होगा ए प्लस बी का मतलब है ए भी बी का भाई है, सी प्लस डी का मतलब है सी डी की वाइफ है, इस टाइप, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी क्या लगेगा, इस टाइप का रिलेशन कोडेड ब्लड रिलेशन बनाते हैं। फैमिली ब्लड बेस्ड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, फैमिली बेस में भाई फैमिली ट्री बनता है। ठीक है, जनरेशन गैप देखते हैं हम, उसमें जनरेशन देखते हैं कि ए बी का बेटा है, बी सी का भाई है, इस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है, जो हम एक एक करके देखेंगे। देखो ये पढ़ना है आपको अच्छे से, मतलब मैं बताऊंगा कोडेड ब्लड रिलेशन जो है इसमें मैं आपको बता जरूर दूंगा, बताऊंगा, लेकिन ये बीए में आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुश्किल ही है, नहीं आता। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि बीएलएलबी में शायद एक क्वेश्चन शायद आ जाए इससे, वरना इसकी प्रोबेबिलिटी कम है पूरे इसमें, इन दोनों से आते हैं ज्यादातर आपके लेवल पे क्वेश्चन, मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वरना इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, नहीं मैं बता जरूर दूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा एक दो। ठीक है, ताकि आपको अगर आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन और ये, अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते वक्त आपको कुछ चीजें जहन में रखनी है। पॉइंट्स टू, देखो मैं इतनी चीजें क्यों करा रहा हूं, सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझाने के लिए, वरना क्या होता सिर्फ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूं और शुरू हो जाऊं। ठीक है, मैं थ्योरेटिकल चीजें क्यों कराता हूं हर चैप्टर से पहले कुछ चीजें, ताकि आपको बैकग्राउंड पता चले कि क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ठीक है, इनसे क्या मतलब, इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे चीजें आ गई, कैसे, जब रीजनिंग आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन के पीछे इतने सारे कंसेप्ट बताने का मतलब यही है कि आप अच्छे से समझो, वरना क्वेश्चन लिखा हो जाओ शुरू कर तो लोगे ही आप, 20 मिनट में कर लो चाहो तो, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं है 20 मिनट में करने का, आपका 20 मिनट तो बर्बाद हो गया ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या ब्लड रिलेशन करते हुए क्या याद रखना है, देखो विदाउट नोइंग जेंडर रिलेशन शुड नॉट बी जज्ड, ये बहुत हमेशा ख्याल रखना है इस पॉइंट को आपको, कि जब तक आपको जेंडर ना पता हो, जेंडर का मतलब क्या वो लड़की है क्या वो लड़का है, जब तक आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जेंडर क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा भाई ये तो चचा हो गए मेरे या तो आंट हो गई मेरी, तो
लेकिन जेंडर नहीं दिया हुआ है तो आप रिलेशन जज नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे, विदाउट नोइंग जेंडर रिलेशन शुड नॉट बी जज। जब तक आपको जेंडर ना पता हो रिलेशन जज नहीं करेंगे आप। नंबर टू, फैमिली ट्री कैन बी ड्रॉन। ठीक है, देखो फैमिली ट्री कैन बी ड्रॉन का मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे ये बेस्ड होगा, फैमिली बेस्ड ब्लड रिलेशन पे ये इसमें काम होगा। अगर आपने एक बार फैमिली ट्री बना लिया तब क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ये इस टाइप के रिलेशन के लिए। वहां आपको फैमिली ट्री बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री बन गया इंफॉर्मेशन के बेस्ड, आप आंसर फटाफट निकालते जाओगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, जनरेशन एंड रिलेशन नेम शुड बी क्लियर। जनरेशन एंड रिलेशन नेम शुड बी क्लियर व्हाइल सॉल्विंग, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन से कुछ। ठीक है, देखो जनरेशन एंड रिलेशन नेम, जनरेशन कौन सी जनरेशन, मैं भी बताऊंगा एक जनरेशन गैप, कौन सी जनरेशन को बिलोंग कर रहा है, मेरी जनरेशन को या मेरे ऊपर वाली जनरेशन है, मेरे माँ बाप की जनरेशन या मेरे नीचे वाली जनरेशन, मेरे बेटा बेटी जनरेशन। ठीक है, रिलेशन नेम शुड बी क्लियर। जो अभी मैंने इतने सारे रिलेशन आपको लिखवाए कि कौन सा रिलेशन क्या कहलाता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा था ना, जब तक आपको रिलेशन क्लियर नहीं होगा, अगर आप हिंदी उर्दू में भी क्लियर हैं तो इंग्लिश में आराम से कर लोगे। आपको रिलेशन पता है कि भाभी किसको कहते हैं, चचा किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है इसको, तो आप ये आसानी से कर लोगे। ये तीन पॉइंट जहन में रखना, ये मैंने लिखा। अब मैं आपको जनरेशन बता देता हूं, जनरेशन गैप क्या होता है। ये जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, अब ये क्या होता है भाई, देखो ठीक, ये फर्स्ट जनरेशन मानो, ये सेकंड ले लिया, ये थर्ड ले लिया मैंने। ठीक है, अब समझना जनरेशन गैप। अब मान लो कोई पर्सन यहां पर है, ठीक है, तो इससे ऊपर वाली जनरेशन इसकी कौन सी होगी भाई, इसके फादर या फिर मदर वाली जनरेशन। ठीक है, और ये वाली जनरेशन थर्ड जनरेशन, ये ऊपर देखो, ये तो फादर मदर, और इससे ऊपर वाली जनरेशन इसकी कौन सी हो जाएगी, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, है ना। अब कोई शख्स यहां पर है, देखो बीच वाले में, तो इससे ऊपर वाली कौन सी हो गई इसकी, इसके इसके फादर या मदर वाली जनरेशन हो गई, और इसके नीचे वाली जनरेशन कौन सी हो गई, इसके सन या डॉटर वाली जनरेशन हो गई। ठीक है, अब कोई शख्स अगर यहां पर है तो ये वाली जनरेशन उसके लिए कौन सी हो जाएगी, सन या डॉटर वाली, और ये वाली कौन सी हो जाएगी भाई, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर वाली जनरेशन। तो ये होता है जनरेशन गैप। ठीक है, समझ में आई चीज है आपको।